तो जैसे ही कोई स्टूडेंट 9th के बाद ऊपर क्लास में जाता है तो उसके मन में एक सवाल आता है एंड वो चाहता है कि हम कैसे अपना इनकम को सेल्फ इनकम कर ले। तो अगर आपने यही सोच कर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो नमस्कार, आप सही जगह आए हो। मैं हूँ समीर श्रीनाथ और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट लाइफ में हम अर्निंग कर सके, वो भी कोई ऐप डाउनलोड करके या फिर इंटरनेट का यूज करके। फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक कर दे। तो एक स्टूडेंट लाइफ में बच्चे के ऊपर सबसे बड़ा जुनून ये सवार होता है कि कैसे हम अपने खुद के खर्चे को निकाल सके एंड हम सेल्फ अर्निंग कर सके ताकि हमारे खर्चे खुद चल सके। तो बस इसी खोज में वो चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ एंड अगर हम YouTube पे सर्च करें इससे रिलेटेड अर्निंग ऐप के बारे में तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जिसपे अभी 1 मिलियन प्लस व्यूज़ जा चुके हैं एंड वो ऐसा थंबनेल भी यूज़ करते हैं जिसमें वो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके डाल चुके होते हैं एंड आजकल के एडिटिंग के ज़माने में ऐसा एडिटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है जिसमें 500 का पेमेंट एंड 400 का पेमेंट आप पेटीएम पे दिखा रहे हैं एंड वो पेमेंट आपको लगता है कि वो रियल है तो आप बहुत बड़े फ्रॉड में जा चुके हो। तो होता है कुछ ऐसा है कि बहुत सारे ऐप्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऐप्स जो होते हैं वो अपने प्रमोशन के लिए आपको शुरू में कुछ रुपए देंगे एंड यही होता है, यही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फंसते हैं। हालांकि ये स्टडी चैनल है, मैं स्टूडेंट के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट का इंगेजमेंट ज़्यादा है तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट को अच्छे से पहले समझा दूँ। तो वो क्या करते हैं, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो उनका क्लिक रेशियो बढ़ता है एंड अगर वो उनके वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं तो उनका इनकम होता है, उसके आपके इनकम से कोई लेना देना है नहीं। एंड बहुत सारे ऐप्स ये भी होते हैं कि आपको स्टार्टिंग में कुछ रुपए देंगे, हालांकि वो रुपए रियल होते हैं बट वो बस एक लालच होता है आपको उस ऐप पे बुलाने के लिए। अगर आप उस ऐप में अगर आपको 200-300 रुपीज़ मिल गए उसके बाद आप उस ऐप को एडिक्टेड हो जाएंगे एंड आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, आपको वो इन्वेस्ट कराएगा, चाहे वो कोई ऐप हो। अगर हम एग्जांपल ले तो सुपर लाइक ऐप, वर्ल्ड फ्री ऐप, बहुत सारे ऐप्स हैं, मैंने उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप जानते हैं। और वो 200-300 का पेमेंट दे के आपको 1000-2000 का इन्वेस्टमेंट करा लेंगे एंड बाद में वो वेबसाइट ही पूरे इंटरनेट से गायब हो जाएगी एंड सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे फंसते हैं। और अगर एक बार आपके साथ ये फ्रॉड हो गई तो आप कंप्लेन कराने भी कहीं नहीं जा सकते हैं चूँकि वो वेबसाइट जो बनी हुई थी, वो लाखों वेबसाइट रोज़ बनती हैं, लाखों वेबसाइट रोज़ ख़त्म होती है सोशल मीडिया से, तो आप उसे ट्रेस करना किसी भी लीगली कोई इम्पॉसिबल है। ये बात अगर सेकेंड रीज़न की, तो अगर कोई पर्सन बोलता है कि आप हमारे अंडर काम करो एंड हम आपको पेमेंट देंगे तो आपके साथ भी वही होगा जो हज़ारों के साथ होता आया है। पहले आपसे काम कराया जाएगा, वो अपना काम निकालेगा एंड जब आपकी पेमेंट की बारी आएगी तो वो जो नंबर से या जिस भी सोशल अकाउंट से आप कनेक्टेड थे वो उसका गायब हो जाएगा एंड आप फंस चुके रहेंगे वहाँ पे। तो मेरा मानना तो ये है कि सोशल मीडिया पे कोई ऐप या कोई वेबसाइट या फिर कोई लिंक या फिर कोई भी वर्क करके आप उतना इनकम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सोशल मार्केट नेटवर्किंग के बारे में बात करना चाहते हो तो वो अलग चीज़ है, उसमें आपको मेहनत करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐप बोलते हैं एक क्लिक करो इतना पैसा एंड बहुत सारे वीडियोज़ में तो मैंने ये देखा है कि 1 MB डाटा इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ये सारी चीज़ें के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ये बस आपको फ्रॉड करने के लिए या फिर वो जो यूट्यूबर वीडियो डाल रहा है बस अपने व्यूज़ के लिए डाल रहा है, आपको फंसा रहा है एंड वो अपना काम निकाल रहा है। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि अगर सोशल मीडिया अर्निंग इतनी सिंपल होती तो आज कोई सड़क पे कोई बेरोज़गार घूम नहीं होता, सबको मतलब पता है, सबके पास मोबाइल है, सब कोई उतना कर सकता था। एक तुम कोई चांद से उतरे हुए व्यक्ति नहीं हो कि तुम ही एक कर सकते हो एंड दूसरा कोई मतलब नहीं करेगा एंड वो रोज़गार बेरोज़गार होकर नौकरी के लिए घूमेगा। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग या फिर ये जो भी है, नेटवर्किंग को तो मैं नहीं कहूँगा ताकि वो बिज़नेस है एंड वो हो सकता है एंड उसमें मेहनत लगती है, बट ये जो सोचते हो ये ऐप्स डाउनलोड करके या ऐसे करके नेटवर्क यूज़ करके तुम्हारे पेटीएम में या फिर कोई तुमको पैसे देगा तो वो तुम गलत सोच में हो। आगे हम भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत, ताकि मैं इससे गुजरा हुआ हूँ, मैंने भी एक सोशल मीडिया अर्निंग ऐप पे मैं फंस चुका था, हालांकि मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया था एंड बहुतों को मैंने बचाया भी अपने वीडियो के थ्रू। अगर आप मेरे वीडियोस में जाके नीचे कमेंट पढ़ेंगे, पुराने वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें पाएंगे कि बहुत लोगों का बहुत बुरी तरह से कटा था पैसा एंड मैंने जो वीडियो बनाया था उससे बहुत लोगों का पैसा बचा भी था। तो उसके लिए आप पहले ही आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है सोशल मीडिया अर्निंग एंड ऑनलाइन अर्निंग नाम की चीज़ की, तो आप उससे दूर ही रहें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, एंड हम आपको टाइम टाइम पे अच्छे अच्छे वीडियोस देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।